भाजपा मंत्री के बेटे ने जिस नौजवान किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदा था, उनमें से एक लवप्रीत भी थे। लवप्रीत की उम्र 18 साल बताई जा रही है। ये उनके घर का दृश्य है। अभी परिवार और किसानों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है और अभी जो परिवार है वो भारी दुख में है। लवप्रीत की दो बहनें हैं और वो सामने देख सकते हैं, उनकी माता हैं। और अभी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे किसान मौजूद हैं, उनका परिवार बहुत सदमे में है। ये लवप्रीत का घर है जो अभी अधूरा है। किसान परिवार था, बहुत नॉर्मल किसान परिवार से लवप्रीत था। हम किसी किसान नेता से आपकी बात ज़रूर करवाएंगे ताकि जान सकें कि क्या कारण है कि अभी जो परिवार है वो अंतिम संस्कार से मना कर रहा है। जो किसान यूनियनें हैं और जो किसान नेता हैं, उन्होंने भी लवप्रीत का अंतिम का जो शहीद किसान है उनके अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया है। बाबा जी, अंतिम संस्कार के लिए क्यों अभी आप लोगों ने मना कर दिया, क्या कहा? ये अंतिम संस्कार कल से जो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्टें थी अभी तक आई नहीं, क्लियर नहीं हुई है उसमें क्या है क्या नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या उसके लिए संगत का परिवार का सभी कहा है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्लियर नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट तो इसको कोई नया मोड़ देना चाहती है, इसको जो भी हुआ है इससे सच्चाई सामने आ जाए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद में जो क्लियर हो जाएगा कि कैसे डेथ हुई है, उसके बाद इनका अंतिम संस्कार होगा। ये संगत का फैसला है, सभी संगत का, पब्लिक का ये फैसला है। परिवार को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली है, ना ही FIR की कॉपी मिली है। इस वजह से परिवार और किसानों ने फैसला लिया है कि लवप्रीत का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।